नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे फायरस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है फायरस का। आप लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा एंड आप जिस भी स्टॉक नहीं तो इंडेक्स के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना चाह रहे उसका चार्ट ओपन कर दीजिएगा। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप यूज करेंगे वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उतना एक्यूरेटली काम करेंगे। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करने के लिए आपको कोई भी एक मेजर ट्रेंड चाहिए, वो डाउन ट्रेंड हो सकता है या अप ट्रेंड हो सकता है एंड वो ट्रेंड किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, उसके बाद आप आपके हिसाब से आपका टाइम फ्रेम को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम में यूज करेंगे उतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक्यूरेटली काम करेगा। जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है एंड यहां पे अभी हम इस ट्रेंड के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे, जो कि 2020 क्रैश टाइम में जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था ना, वहां पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अभी यूज करेंगे, क्योंकि प्राइस देखिए स्ट्रांगली एक डाउन ट्रेंड में था, बॉल ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद जो रिट्रेसमेंट करेगा ना, जो बाउंस करेगा, ये बाउंस कहाँ तक करेगा वो कैलकुलेट करेगा फिबोनाची लेवल। एंड जब प्राइस उसी करेक्शन का हाई को ब्रेक कर देगा, ये जो अपर लेवल रहेगा ना, ये सब लेवल एक्ट एज ए फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। पहले रिट्रेसमेंट होगा एंड को ब्रेक करने के बाद जो अदर लेवल रहेगा ऊपर साइड में वो एक्सटेंशन लेवल रहेगा। तो अभी मैं दिखाता हूं कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे। इसलिए आपको लेफ्ट साइड में जाना है एंड लेफ्ट साइड में देखिए आपको यहां पे जो थर्ड ऑप्शन है ना, उसके पास में देखिए आरो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसी आरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट का, तो आपको यहां पे सिलेक्ट कर देना है फिब रिट्रेसमेंट एंड जिस भी ट्रेंड के ऊपर आप ड्रॉ करना चाह रहे उसी ट्रेंड का हाई को लो के साथ जॉइंट कर लीजिएगा। जैसे जॉइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल लेवल आ गया है, जैसे कि 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, ये सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। एंड देखिए जो हाई के ऊपर जो ये लेवल आ गया है ना, 1.272, 1.618, ये सब फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। एंड ये सब लेवल को लेकर कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम और एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ है कि आप कैसे फायरस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फिबोनाची को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत सारे लेवल प्लॉट हो गया है, आपको अगर चाहिए मॉडिफाई करना कि आपको ये सब लेवल चाहिए और जो दूसरा लेवल उसको हाइड करना है, इसलिए आपको क्या करना है, जो यहां पे आप प्लस स्टार्टिंग किए थे ना उसके पास में देखिए आपको एक सर्कल शो करेगा, नहीं तो इस फिबोनाची इंडिकेटर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे एक सेटिंग का लेफ्ट साइड में देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहां पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए जो भी मॉडिफाई करने के लिए सेटिंग का ऑप्शन है वो आ जाएगा, आपको जो भी लेवल चाहे उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, बाकी लेवल को ऑन टिक कर दीजिएगा। मानिए मुझे यहाँ पे 0.382 का लेवल नहीं चाहिए एंड 0.786, इस दोनों लेवल मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उस दोनों लेवल को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मॉडिफाई करके मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कलर कर दिया हूँ, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड जो लाइन है लेबल्स का, लाइन्स को आप यहाँ पे वाइड भी कर सकते हैं, लो वाइड भी कर सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे मॉडिफाई सकते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर देना है तो यहां पे देखिए बैकग्राउंड कलर आपके सामने आ गया है, अगर रिमूव करना है उसको ऑन टिक करके देखिए आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए प्राइस यहां पे ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद जब भी बाउंस करेगा 0.5 लेवल आता जे रेजिस्टेंस, फिर से 0.6 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, क्योंकि सब लेवल रिट्रेसमेंट लेवल रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। एंड देखिए जैसे ही प्राइस यहां पे जो हाई है इसको वन लेवल को ब्रेक कर देगा, अपर लेवल सब एक्सटेंशन जैसा काम करेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1.618 लेवल एग्जैक्ट देखिए वहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, पुल बैक किया था, इसलिए मैं बोल रहा था जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे आपको उतना स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है। एंड आप कैसे फिबोनाची को लेकर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और एक वीडियो में हम कवर करेंगे। ये तो हो गया डाउन ट्रेंड का, अगर अप ट्रेंड का हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे जो प्राइस करेक्शन करेगा तो कहां तक प्राइस यहां पे पुल बैक कर सकता है, इसलिए अब हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो यहां पे क्या करेंगे, लो को हाई के साथ देखिए मैं यहां पे जॉइंट कर लेता हूं, तो एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहां पे मूव दिया और जो पुल बैक दिया ना वो 0.5 के आसपास यहां पे देखिए प्राइस पुल बैक किया, उसके बाद ट्रेंड
ऑटोमेटिकली अप में चला गया। तो ये सब लेवल कोई भी ट्रेंड में 0.5, 0.6 ये सब लेवल आठ का जो सपोर्ट लेवल जब भी प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा ये सब लेवल आठ का जो रेजिस्टेंस लेवल। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे एंड कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और वीडियो में एनालिसिस करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है फायरस में कैसे भी बना के यूज करना है आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।